Hello students, welcome to e-learning. We are learning chapter 8 agriculture sector and we have completed 5 lectures. Today in our 6th lecture we are going to learn about the third part of causes of low productivity of agriculture sector. So we have completed 2 factors, institutional factors and technological factors. Today we are going to learn about the other factors. Now in other factors we have seen we are having 2 points, that is pressures of population and lack of economic planning. So these are the 2 factors which are responsible for low production in the agriculture sector. कैसे population का pressure की वजह से और economic planning नहीं हुई इस वजह से हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारा agriculture sector कैसे कम हो पाया. So very first point, pressure on the population. What is the pressure on the population? We have learned the 7th chapter, the previous chapter population. We have seen कि 1951 के अंदर 36.1 करोड़ पीपल थे, जो 2011 के अंदर 121.02 करोड़ पीपल बन गए. तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव सीन कि बहुत सारे इट हैज ग्रोन 2.5 टाइम्स और 3 टाइम्स, वी कैन सी 3 टाइम्स, यस मोर देन 3 टाइम्स यहाँ पे ग्रोथ ले लिया 70 इयर्स के अंदर. तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसका मेन रीजन क्या है, एक तो चीज. और यहाँ पे ये पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से व्हाट इट इंपैक्टेड ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी. पहली चीज कि पहले से ही हमारा प्रोडक्शन कम था उसके अंदर हमारा पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गया. तो यहाँ पे टू फीड द पीपल वी डोंट हैव मच अमाउंट ऑफ क्रॉप्स. सो इट बिकेम दिस मोर ग्रोइंग पॉपुलेशन बिकेम अ प्रॉब्लम फॉर अस. सो अगेन इन दैट हमारा ज्यादा डिपेंडेंसी प्राइमरी सेक्टर, दैट इज द बेसिक थिंग्स प्रोवाइड करने में था, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर एंड अलाइड एक्टिविटीज. तो उसके अंदर 72% एम्प्लॉयमेंट थे हमको पता है 1951 के अंदर, लेकिन वो कम होते गए. क्यों कम होते गए, व्हाट मेड, बिकॉज वी हैव सीन द इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स. इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स के अंदर हमने क्या देखा कि कैसे वो जमींदार, मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स एंड होल्डर्स एंड लास्टली द सोसाइटी हैव नॉट सपोर्टेड, ओनली एक्सप्लॉयटेड द पर्टिकुलर फार्मर्स. And because of this, they have left their main occupation and they have went to the another's place. That is industrial sector के अंदर जाने लगे, service sector के अंदर जाने लगे. So different occupations, they have changed occupations and because of that, we find that the 72% of the employment which was given by the agriculture sector is now presently giving 49% in as per the 2013-14 data. सो ये पूरा रिडक्शन होने की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी कम लोग हैं, कम लोग प्रोडक्शन करेंगे और उसके सामने हमारा एवरी ईयर द पॉपुलेशन हैज इंक्रीजिंग. तो पॉपुलेशन जब बढ़ रहा है और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो व्हाट हैपेंड, दिस पर्टिकुलर गैप नॉट टू फुलफिल द डेली रिक्वायरमेंट फॉर द पीपल वो कम हो गया. उसके बाद देखा जाए तो वी फाइंड दैट तो मोर बर्डन वॉज बीन पुट प्रेशराइज ऑन दिस पर्टिकुलर फार्मर्स की ज़्यादा लोग बढ़ रहे तो ज़्यादा प्रोडक्शन करो. तो वो नहीं हो पा रहा बिकॉज क्यों, क्योंकि हो भी रहा है तो वो लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट करें बिकॉज दे वॉन्ट टू अर्न फॉरन इनकम, फॉरन एक्सचेंज करना चाहते हैं. अगर वो लोग क्रॉप्स बाहर भेजेंगे तो फॉरन मनी आएगा, अगेन हमारा खुद का जो पूरा है कंट्री उसके अंदर प्रॉब्लम आएगा. सो बिकॉज ऑफ दैट उस टाइम से हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे लोग रूरल पॉवर्टी में भी चले गए बिकॉज मोर एंड मोर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, नेसेसरी बेसिक थिंग्स आर नॉट गेटिंग मच एंड वो लोग हंकर की वजह से डेड, नहीं तो वो लोग जॉब नहीं कर रहे. जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन हो रहा है वो भी जॉब नहीं कर रहे, वो लोग पूरा डिपेंडेंट किस पे हो रहे हैं. वी हैव सीन अर्लियर दैट कि एक फार्मर अकेला एक फार्म हैंडल कर सकते, फिर भी 4-5 लोग फैमिली के मेम्बर्स उसकी अंदर ही लगेंगे और उसके अंदर कोई इनकम एक्सपार्ट नहीं होगा. सो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा था कि रूरल एरिया में भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अर्बन में भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अर्बन वाले तो इंडस्ट्री में जा रहे हैं लेकिन रूरल वाले यही फार्मिंग करते करते भाई एक मेंबर से 5 मेंबर हो गए, 5 मेंबर से 10 मेंबर हो गए, लेकिन कोई प्रोडक्शन ज़्यादा हो पा रहा नहीं. सो अल्टीमेटली देयर इनकम बिकेम लो अगेन, इट हैज बीन डिवाइडेड अंडर देयर फैमिली ओनली. सो ये पूरा चीज़ यहाँ पे उन लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट किया एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्शन तो इंक्रीज ही नहीं हो रहा. तो प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा तो पॉपुलेशन पे प्रेशर ज़्यादा आ रहा है और वो लोग वापस बोल रहे. सो ये पूरा चीज़ डिस्टर्ब होके व्हाट हैपेंड दैट देर वॉज अ बिग मास ऑफ पॉपुलेशन लास्टली एंड द प्रोडक्शन वॉज वेरी लेस. एंड प्रोडक्शन लेस होने की वजह से हम कुछ नहीं कर पाए,
कुछ मतलब कुछ भी नहीं पर. सो दैट्स वाई वी फाइंड दैट द पॉवर्टी लेवल इज मोर. वी फाइंड दैट कि बहुत सारे रूरल एरियाज के अंदर उन लोग की इनकम कम हो रही है. दे आर बीन एक्सप्लोइटेड. इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ज़्यादा पैसे नहीं दे रही. और बीच में ये जो लोग थे जो ज़्यादा कमा चुके, किसके पास है, फार्मर्स को एक्सप्लोइट करते करते वो लोग ने फायदा ले लिया. तो ये पूरा रीज़न यहाँ पे हमको समझ आ रहा है कि पॉपुलेशन वॉज ऑल्सो द वन ऑफ द फैक्टर विच मेड देम टू गो एंड गो इन द सेम फील्ड विद द वन मेंबर जो एक ही चीज़ कर रहा है उसके अंदर ही दो चार चेन लग गए. तो ये अनएम्प्लॉयड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हुए आगे बढ़ते गए और हमारा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा प्रेशराइज आ गया. अगेन लैक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. हमारी गवर्नमेंट सरकार की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा था, नहीं द गवर्नमेंट फोकस्ड फ्रॉम 1956 ओनली ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. फर्स्ट इन द फर्स्ट दे हैव गॉन विद एग्रीकल्चर सेक्टर एंड पूरा चीज़ डेवलप किया. लेकिन सेकेंड फाइव ईयर प्लान से पूरा बदल गया. दे हैव स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द न्यू डिफरेंट बेसिक इंडस्ट्रीज, वी कैन से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. ये सारी चीज़ जो हमारे यहाँ पे नहीं है उसको डेवलप करने में ज़्यादा फोकस करें. एंड दे हैव लेफ्ट, दे हैव इग्नोर्ड अवर सेक्टर द प्राइमरी सेक्टर जहाँ से 72% लोग एम्प्लॉयड थे. वो उन लोग को डेवलपमेंट नहीं किया. अगर वो लोग करते तो आज न्यूजीलैंड की तरह एग्रीकल्चर कंट्री जो इतना छोटा देश है लेकिन उसके अंदर ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर हो रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, उसका मेजोरिटी इनकम इज कमिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड द अलाइड एक्टिविटीज. तो ये चीज़ हो पाता. तो वो हमारा तो बिग मास ऑफ लैंड विच इज़ वी आर हैविंग, इट इज़ मोर देन 20-30 टाइम्स द न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड से बहुत ज़्यादा बड़ा इंडिया है. तो उसके अंदर ये लोग ने ये प्लानिंग किया होता मोर फोकस्ड ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड उसके बाद उसके रिलेटेड इंडस्ट्रियल सेक्टर में करते तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता. बट वॉट वी आर फेसिंग नाउ दैट गवर्नमेंट हैज़ नॉट टेकन एनी एफर्ट्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन और इंक्रीज द लिविंग स्टैंडर्ड फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर और मेकिंग द प्राइमरी सेक्टर द मोस्ट स्ट्रॉन्गर थिंग इन आवर इंडिया. एंड दे हैव कंपेयर विद द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज़्यादा मनी मिल रहा था, इस वजह से उन लोग ने वो डेवलपमेंट किया. सो अगेन देर वॉज मच मोर डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर कम हो गया. उसके बाद ज़्यादा लग हेल्प नहीं मिली गवर्नमेंट से भी तो ये प्रॉब्लम हुआ. सो वी फाइंड दैट इट हैज़ बिकेम ओवर एंड ओवर टाइप की सब जगह से एग्रीकल्चर सेक्टर का पूरा इग्नोरेंस हो गया. इग्नोरेंस तो नहीं बट गवर्नमेंट साइड से इनको इग्नोरेंस हो गया. लेकिन यहाँ पे इन लोग ने फ़ायदा ले लिया. दैट इज़ द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, मनी लेंडर्स, होल्डर्स, जमींदार्स, उन लोग ने फ़ायदा ले लिया. तो अल्टीमेटली मेन सेक्टर जो हम बोल रहे कब से भी स्टार्टिंग से एग्रीकल्चर कंट्री, प्राइमरी कंट्री, तो ये पूरा चीज़ हमारा वैनिश हो गया. लेकिन स्टिल वी आर टेलिंग इट इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री. ज़्यादा लोग फार्मर्स है लेकिन उन लोग के पास ज़्यादा कुछ है नहीं. सो दिस इज़ वॉट हैपन. देर वॉज अ लो प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर विच मेड टू लो इंक्रीज इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक ग्रोथ कम हुआ, बाद में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं हो पाया. तो अल्टीमेटली आवर कंट्री इज लैकिंग स्टिल और इट इज़ इन स्टिल वी कैन से अंडर डेवलप डेवलपिंग अंडर डेवलप डेवलपिंग में तो आ गया लेकिन वापस अभी GDP देखो तो बहुत कम हो गया. वाई इट इज़ सो? सो ये पूरा चीज़ अफेक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. नाउ अगेन वी आर फोकसिंग मोर ऑन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, ग्लोबल हब बन चुका है, फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर का इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा. सो दिस वी कैन से दैट बोथ द फैक्टर्स टेल अस दैट गवर्नमेंट ऑल्सो डिंट सपोर्ट और नॉट नेग्लिजेटेड एग्रीकल्चर सेक्टर. पॉपुलेशन मेड अ प्रेशर एंड वहाँ पे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. वहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, इसके वजह से उन लोग का इनकम कम हुआ तो वो लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकले. एंड दे अगेन इनसाइड ओनली दे आर अंडर दी पॉवर्टी, बात करें तो एक तरह से. सो दिस इज़ हाउ वी फाइंड दैट टोटल आवर एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ बीन गॉन डाउन. फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स फैक्टर्स इन दैट इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स के अंदर हमने देखा चार पॉइंट्स है. लैंड कलेक्शन, सो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम के अंदर जमींदार महलवारी रोटवारी जमींदारी वो तीन से मेथड से उन लोग कलेक्ट कर रहे थे. इसके अंदर प्रॉब्लम आ रहा था. हाई रेट ऑफ टैक्सेस थे, हाई रेट ऑफ इनकम रेवेन्यूज जो चार्ज कर रहे थे. देन आफ्टर वी फाइंड दैट एग्रीकल्चर फाइनेंस वेयर NABARD एंड RRBs हैव केम आफ्टर RRB 1975 में आया एंड NABARD 1982 में आया. तो उससे पहले तो कुछ नहीं था. तो वहाँ तक तो मनी लेंडर्स कमा चुके. भले उसके बाद 21.4% समथिंग
परसेंटेज कम हुआ, रिडक्शन हो गया, लेकिन उससे पहले तो वो कम आ चुके. नाउ व्हाट इज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया प्रेजेंटली एज पर 2011 सेंसस? इट इज़ ओनली 13.9%. तो इतना कम होने के बाद क्या करें, कुछ नहीं कर सकते. सो ऑल दिस फैक्टर्स मेड देम वेरी प्राइमरीली वेरी वीक. द फार्मर्स बिकेम वेरी वीक अंडर दिस 30-40 ईयर्स एंड देन आफ्टर दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर ऑल्सो मेड देम टू गो वीक एंड वीक एंड वीक एंड एंड देन आफ्टर नाबार्ड आने के बाद थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ, लेकिन तभी तक बहुत सारे फार्मर्स लेफ्ट कर चुके थे. एंड वी फाइंड दैट देर आर नाउ ओनली फ्यू फार्मर्स विच आर लेफ्ट, नॉट फ्यू बट इट इज अप्रॉक्स टू द 50 और लेस देन 50% हुआ फार्मर्स, बट देर इनकम इज ओनली 14% टू द नेशनल इनकम. तो ये पूरा प्रॉब्लम आ रहा है बिकॉज ऑफ नॉट प्रॉपर प्लान बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो. सब जगह का, सब जगह से फॉल्ट है. सो दिस इज ऑल मेड देम टू लो प्रोडक्शन. नाउ अभी इसके ऊपर हमारा टॉपिक खत्म होता है यहाँ पे. नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मेजर्स, व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स गवर्नमेंट में उस टाइम पे किया. सो वी हैव लर्न द नेगेटिव इम्पैक्ट और हाउ इट हैज़ बीन मेड दिस मच लो प्रोडक्शन. नाउ वी आर गोइंग टू नो इन द नेक्स्ट लेक्चर दैट इज हाउ हैव दे हैव स्टार्टेड टू इम्प्रूव एंड व्हाट आर द steps they have taken to improve this particular institutional wise or we can say technological wise. वो भी बहुत सारे चीज़ लाए, लेकिन कितना successful हुआ वो हम आज देख रहे हैं. ठीक है, so we'll continue tomorrow. Thank you.